In that chapter, we discuss with the principles of planning, then principles of architecture, okay, then building components, okay, types of building, okay. You studied earlier in BCE subject, Basics of Civil Engineering, okay. Today, we start with basic building components, superstructure and substructure. What do you understand by superstructure? The superstructure is that part of the building which is above the ground and which serves the purpose of building intended use. That means what? जो भी ग्राउंड के नीचे का ग्राउंड के ऊपर का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सुपरस्ट्रक्चर. ओके, बिल्डिंग का जो भी ग्राउंड के ऊपर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड सुपरस्ट्रक्चर. उसमें क्या इंक्लूड होता है? ओके, तो प्लिंथ, वॉल, कॉलम्स, बीम्स, आर्चेस, रूफ, स्लैब्स, लिंटल्स, देन आर्चेस, छज्जास, पैरापेट, स्टेप्स, स्टेयर्स एक्सेट्रा. सब स्ट्रक्चर क्या है? द सब स्ट्रक्चर इज द लोअर पोर्शन, ग्राउंड के ग्राउंड का नीचे का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सब स्ट्रक्चर. ओके, सब स्ट्रक्चर ग्राउंड के नीचे जो हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड सब स्ट्रक्चर. Substructure is the lower portion of the building which is located below the ground level which transmits the load of the superstructure to the subsoil. तो उसका मेन पार्ट क्या है? फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड करता है? फाउंडेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. बिकॉज जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहना चाहिए. जो भी ऊपर लोड आता है वो इजीली ग्राउंड में, सब सॉइल में ट्रांसफर होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई सॉइल है उसकी बैरिंग कैपेसिटी बहुत नहीं है, पर बैरिंग कैपेसिटी कम है. ओके, सिर्फ जो भी लोड बैरिंग कैपेसिटी है, जो भी लोड बैर करने की कैपेसिटी है फॉर एग्जाम्पल वो कम है, तो हमें उस टाइप का फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या होगा, ऊपर से जो भी लोड आता है. ओके, जितने भी आपने फ्लोर प्रोवाइड किए हैं, जितना भी आपने बिल्डिंग ऊपर कंस्ट्रक्ट किया है ग्राउंड के ऊपर, तो जो भी लोड ऊपर आता है ओके, तो वो सेफली सब सॉइल में ट्रांसफर होगा. वो जो सब सॉइल है वो किसके साथ कनेक्टेड है? फाउंडेशन. दैट मीन्स वो फाउंडेशन के कॉन्टेक्ट में है, इसलिए जो भी लोड ऊपर से आ रहा है वो सेफली नीचे ग्राउंड सब ग्राउंड में जो सब ग्राउंड लेवल के नीचे जो सब सॉइल है उसमें ट्रांसफर होगा. इट इंक्लूड्स फाउंडेशन. द नॉमिनल नॉमिनल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग कंपोनेंट्स, प्लिंथ की क्या हाइट होनी चाहिए, वॉल थिकनेस, पार्टीशन वॉल, लोड बैरिंग वॉल क्या होनी चाहिए, वॉल थिकनेस. ओके, उसमें पार्टीशन वॉल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर. लोड बैरिंग वॉल है दैट मीन्स जो लोड बैर करती है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 20, 30, 40. लिंटल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर. छज्जा प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए? 30, 45, 60, 75, 60. स्लैब थिकनेस इज दिस. देन पैरापिट वॉल थिकनेस इज 10 सेंटीमीटर. पैरापिट हाइट इज 1 मीटर. डोर विड्थ इज दिस एंड डोर हाइट इज दिस. सील हाइट इतनी होनी चाहिए, लिंटल हाइट इतनी होनी चाहिए. ओके, नॉमिनल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग. तो कॉलम साइज कितना होना चाहिए? ये फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर कॉलम है तो उसकी साइज इतनी होनी चाहिए. रेक्टेंगुलर कॉलम है तो इसकी साइज इतनी होनी चाहिए. सर्क्यूलर, देन कॉलम फुटिंग है तो वन बाय वन का जो भी कॉलम के नीचे फुटिंग प्रोवाइड करते हैं बिलो ग्राउंड, तो वो कितना होना चाहिए? डेप्थ ऑफ बीम कितना होना चाहिए? स्टेप्स, नंबर ऑफ राइजर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीलिंग प्लस स्लैब थिकनेस. दैट मीन्स जो भी हमारा नंबर ऑफ राइजर्स है कितना होना चाहिए? तो हाइट ऑफ सीलिंग प्लस स्लैब थिकनेस और राइजर हाइट. नंबर ऑफ ट्रेड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइजर माइनस वन. राइजर हाइट, ट्रेड विड्थ, ये सब पॉइंट्स का भी आपको काम में लगेंगे जब भी हम डिटेल ड्राइंग सीखेंगे, बिल्डिंग ड्राइंग. दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग. तो बिल्डिंग प्लानिंग ड्राइंग में ये सब आपको डायमेंशन काम में आएंगे. ओके, फाउंडेशन. द बेसिक फंक्शन ऑफ द फाउंडेशन इज टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द बिल्डिंग टू द सब सॉइल इन सच ए वे दैट. हमें लोड ऐसे ट्रांसमिट करना है कि जो भी परमिसेबल लिमिट है, सेटलमेंट आर विद इन परमिसेबल लिमिट. तो सेटलमेंट ज्यादा ना हो,
ओके उस तरीके से लोड ट्रांसफर हो, इसीलिए हमें टाइप ऑफ फाउंडेशन, अलग अलग टाइप के फाउंडेशन आते हैं, डिपेंड्स ऑन सॉइल बैरिंग कैपेसिटी और डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ द लोड, ओके विच यू आर ट्रांसफर टू द ग्राउंड और सब सॉइल। ओके तो कितना बिल्डिंग पे लोड आ रहा है वो दिखना चाहिए, टाइप ऑफ सॉइल कितनी है वो दिखनी चाहिए, देन सेफ लोड बैरिंग कैपेसिटी, बैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितनी है वो दिखना चाहिए। ओके तो सेटलमेंट आर विद इन द परमिसेबल लिमिट, दैट मीन्स बहुत सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। जो भी फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन है, फाउंडेशन हिल जाएगा तो बिल्डिंग कॉलेप्स हो जाएगा, तो सेटलमेंट परमिसेबल लिमिट तक ठीक है, ओके बट सेटलमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सॉइल डज नॉट फेल इन शीयर, देन रिड्यूस द लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी जो टॉप टू बॉटम जब भी लोड आता है तो वो रिड्यूस होना चाहिए, लोड इंटेंसिटी जो भी है वो रिड्यूस होनी चाहिए। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली होना चाहिए, प्रोवाइड लेवल सरफेस। ओके टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में क्या है, तो द फाउंडेशंस में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन में है स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, मैट फाउंडेशन, रैप फाउंडेशन। द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में क्या है, फर्स्ट वन इज स्प्रेड फुटिंग। द स्प्रेड फुटिंग आर दोज विच स्प्रेड और सुपर इम्पोज लोड ऑफ द वॉल और कॉलम ओवर द लार्जर एरिया। स्प्रेड फुटिंग सपोर्ट आइदर कॉलम और ए वॉल। स्प्रेड फुटिंग इसको क्यों बोलते हैं, कि जो भी लोड है वो लार्जर एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट मीन्स आपका नीचे का जो भी फुटिंग है ये इतना ही है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, लोड डायरेक्टली नीचे ही ट्रांसफर होगा। पर फॉर एग्जाम्पल बॉटम का एरिया बड़ा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बॉटम का एरिया बड़ा है, यहाँ पे भी बॉटम का एरिया जो कॉन्क्रीट बीबी ब्रिक बैट सीमेंट कंक्रीट और पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो बेस प्रोवाइड करता है वो एरिया बड़ा होना चाहिए, जिससे जो भी लोड आता है ओके वो इजीली ट्रांसफर हो, ओके और लार्जर एरिया में ट्रांसफर हो। स्प्रेड फुटिंग सपोर्ट आइदर कॉलम और वॉल। इट मे बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड, सिंगल फुटिंग फॉर अ कॉलम, स्टेप फुटिंग फॉर अ कॉलम, स्लो फुटिंग फॉर अ कॉलम, वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप, ग्रिलेज फाउंडेशन। तो क्या आएगा, फर्स्ट स्लो फुटिंग, देन सिंपल वॉल फुटिंग, सिंपल कॉलम फुटिंग, स्टेप फुटिंग फॉर वॉल और स्टेप फुटिंग फॉर अ कॉलम। तो आप देख सकते हो नीचे बेस जो भी है वो क्या है, बड़ा है, जिससे जो भी लोड ट्रांसफर होता है वो लार्जर एरिया में ट्रांसफर होता है। और दूसरा यहाँ पे ये जो सिंगल वॉल कॉलम फुटिंग है, तो और सिंगल वॉल फुटिंग है वहां पे, वो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो जहाँ पे भी कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्ट होती है वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आरसीसी कॉलम फुटिंग है, जहाँ पे भी लोड हैवी आता है, ओके वो हैवी लोडिंग आ रहा है कोई एरिया में, तो वहां पे हम कौन सा प्रोवाइड करेंगे, स्लोप कॉलम फुटिंग, देन सिंपल कॉलम फुटिंग, देन स्टेप वॉल फुटिंग। स्टेप वॉल फुटिंग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो जहाँ पे भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम जनरली प्रोवाइड करते हैं, देन स्टेप कॉलम फुटिंग। देन नेक्स्ट वन इज ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन में क्या है, रोल स्टील जॉइस, आरएस जॉइस का यूज होता है, और पूरा फाउंडेशन जो भी होता है स्टील का होता है, ओके जो नीचे का पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, ग्रिलेज, ऊपर का पोर्शन है उसको कॉलम बोलते हैं। तो दोनों को किससे ज्वाइन करते हैं, आयरन प्लेट से ज्वाइन करते हैं, दैट इज कॉल। और नीचे जो कौन सा बेड है वो कॉन्क्रीट बेड है। कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग क्या है, स्प्रेड फुटिंग विच सपोर्ट्स टू और मोर कॉलम्स इन टर्म एज कंबाइंड फुटिंग। द कंबाइंड मे बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स, दैट मीन्स टू कॉलम्स है, ओके तो टू कॉलम्स है तो मुझे कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करना है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, ओके रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग। आपके पास स्पेस कम है, ओके फॉर एग्जाम्पल फ्लैट्स वगैरह होता है, और फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो बिल्डिंग है, तो आपने देखा होगा रो रो में बिल्डिंग होता है, ओके तो वहां पे जनरली क्या प्रोवाइड करते हैं, ये कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। रो हाउसेस जो भी होता है वहां पे कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके टाइप्स ऑफ कंबाइंड फुटिंग में क्या है, रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग और कंबाइंड वॉल फुटिंग। ओके ये क्या है,
ये वाला रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग, आप दो कॉलम देख रहे हो, दो कॉलम के नीचे फाउंडेशन एक ही है। ओके, ट्रेपेजोइडल में भी क्या है, सिंपल दो कॉलम है, उसका फाउंडेशन एक ही है। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग। द नेक्स्ट वन इज ट्रैप फुटिंग। तो इफ इंडिपेंडेंट फुटिंग ऑफ टू कॉलम्स आर कनेक्टेड बाय बी, इफ द टू कॉलम्स आर कनेक्टेड बाय बी, दैट इज कॉल्ड ट्रैप फुटिंग। ए स्ट्रैप फुटिंग मे बी यूज वेयर द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द कॉलम इज सो ग्रेट दैट ट्रेपेजॉइडल फुटिंग बिकम्स क्वाइट नैरो। फॉर एग्जाम्पल, दो कॉलम है तो दो कॉलम के बीच में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप ट्रेपेजॉइडल फुटिंग प्रोवाइड करोगे तो जो भी स्ट्रिप है बहुत नैरो बन जाएगी। इसीलिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, स्ट्रैप भी प्रोवाइड करना पड़ता है, और यानी बीम से दो कॉलम को कनेक्ट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैप बीम। एंड द स्ट्रैप डज नॉट रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एंड डज नॉट ट्रांसफर एनी प्रेशर टू द सॉइल। द नेक्स्ट वन इज राफ फाउंडेशन। राफ फाउंडेशन इज अ कंबाइंड फुटिंग दैट कवर्स द एंटायर बेनीथ स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑल द वॉल्स एंड कॉलम्स। राफ फाउंडेशन क्या है, इट इज अ कंबाइंड फुटिंग दैट कवर्स द एंटायर एरिया। फॉर एग्जाम्पल, फ्लैट है, ओके, मॉल्स है, तो वहां, और फॉर एग्जाम्पल मॉल्स है, थिएटर्स है, तो वहां पे हम रैप फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे कॉलम है, वो उसके नीचे जो स्लैब होता है और बेस होता है, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन कॉन्क्रीट। और जो फाउंडेशन होता है, बेस, ये वो एक ही होता है। ओके, दे आर यूज इन एरियाज वेयर द सॉइल मासिस कंटेन्स कंप्रेसिबल लेंसेस और द सॉइल इज सफिशियंटली इरेटिक सो दैट द डिफरेंशियल सेटलमेंट वुड बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो जहाँ पे भी दे आर यूज इन एरियाज वेयर द सॉइल मासिस कंटेन द कंप्रेसिबल लेंसेस और द सॉइल इज सफिशियंटली इरेटिक। ओके, यहाँ पे डिस्कस किया है कि दे आर यूज्ड इन एरियाज वेयर द सॉइल मासेस कंटेन द कंप्रेसिबल लेंसेस और सॉइल इज सफिशियंटली इरेटिक सो दैट द डिफरेंशियल सेटलमेंट वुड बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। दैट मीन्स कई बार क्या होता है कि हम सॉइल को कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस होकर उसका वॉल्यूम घट जाता है, और कई बार क्या होता है कि वो जो भी पानी है वो एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसीलिए उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल लेंसेस। और इरेटिक, इसका मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम बढ़ता है पानी एब्जॉर्ब करने से, तो दैट इज कॉल्ड इरेटिक। ओके, तो जो भी उसकी वजह से सेटलमेंट होता है वो कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। ओके, रैप फाउंडेशन, तो इसमें आप देख सकते हो द फ्लैट प्लेट थिकन अंडर कॉलम्स एंड फ्लैट प्लेट, रैप फाउंडेशन। देन डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशंस मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, पाइल फाउंडेशन, पियर, वेल कैशंस एक्सेट्रा। पाइल फाउंडेशन इज दैट टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच द लोड्स आर टेकन टू ए लो लेवल बाय मीन्स ऑफ वर्टिकल मेंबर्स विच मे बी ऑफ ए टिम्बर, कॉन्क्रीट, स्टील। पाइल फाउंडेशन मे बी अडोप्टेड वेन द नो फार्म बैरिंग स्ट्रेटा इज अवेलेबल एंड द बैरिंग लोडिंग इज अनइवन। टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन इज द टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच द लोड्स आर टेकन टू लो लेवल बाय मीन्स ऑफ वर्टिकल मेंबर्स। दैट मीन्स बहुत हाइट तक आपको पाइल फाउंडेशन में फाउंडेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज बैरिंग स्ट्रेटा अवेलेबल नहीं है। ओके, बैरिंग स्ट्रेटा जो भी है वो सॉइल बैरिंग कैपेसिटी मिलनी चाहिए। दैट मीन्स सॉइल की बैरिंग कैपेसिटी, जो भी हम स्ट्रक्चर ऊपर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी बैरिंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि जो भी लोड आ रहा है ऊपर से वो नीचे सेफली ट्रांसफर हो। ओके, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, टाइप्स ऑफ पाइल्स में एंड बैरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स, कॉम्पैक्शन पाइल्स एक्सेट्रा। देन टाइप्स ऑफ पाइल्स कौन से है, एंड बैरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स, ये सब आप पढ़ोगे जीएजी सब्जेक्ट में। ओके, और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में कॉम्पैक्शन पाइल्स, पियर फाउंडेशन। ए पियर फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ लार्ज डायमीटर टू सपोर्ट एंड ट्रांसफर द लार्ज पर इम्पोज लोड टू द फॉर्म स्ट्रेटा बिलो। जनरली पियर फाउंडेशन इज शैलो इन डेप्थ देन द पाइल फाउंडेशन। ओके, तो पियर फाउंडेशन क्या है, पाइल
तो पियर फाउंडेशन कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और क्या है, तो जहाँ पे भी शैलो फाउंडेशन शैलो डेप्थ होती है वहाँ पे पियर फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, और जनरली कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो ए पियर फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ लार्ज डायमीटर टू सपोर्ट और ट्रांसफर द लार्जर सुपर इम्पोज लोड टू द फार्म स्ट्रेटा बिलो। ओके, तो जो पियर फाउंडेशन है उसकी डेप्थ पाइल फाउंडेशन से कम होती है। द नेक्स्ट वन इज वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन और केशंस और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर संक फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द आइदर लैंड वाटर टू द डिजायर डेप्थ, दे आर मच लार्जर देन द पियर फाउंडेशन और ड्रिल केशंस। द केशंस फाउंडेशन आर यूज फॉर द मेजर फाउंडेशन वर्क्स लाइक ब्रिज, पियर, डॉक्स, लार्ज वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर सच एज पंप हाउसेस एक्सेट्रा। वेल फाउंडेशन। देन नेक्स्ट वन इज सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या कंटेंट आते हैं? देन नेक्स्ट वन सुपर स्ट्रक्चर। प्लिंथ इज दैट पार्ट। सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट आते हैं? प्लिंथ इज दैट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बिटवीन द सराउंडिंग ग्राउंड सरफेस एंड फ्लोर स्पेस इमीडिएटली अबाउ द ग्राउंड। द प्लिंथ रेजिस्ट द एंटर ऑफ द रेन वाटर एंट्री इन साइड द बिल्डिंग एंट्री ऑफ द एनिमल इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। रोडेंट्स एक्सेट्रा। तो मेनली प्लिंथ प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि जो भी इंसेक्ट्स एनिमल्स जो भी रेन वाटर आता है घर के अंदर वो ना आए, तो इसीलिए हमें क्या करना प्रोवाइड करता करना पड़ता है प्लिंथ। जनरली द प्लिंथ हाइट इज 45 60 75 91 20 सेंटीमीटर एक्सेट्रा। द वॉल्स क्या है? द वॉल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। दे डिवाइड द बिल्डिंग स्पेस इनटू वेरियस स्पेसेस स्पेस इनटू वेरियस रूम्स। दे सपोर्ट द स्लैब्स एंड बीम्स। द वॉल्स वॉल का मेन पर्पस क्या है? इट प्रोवाइड्स इट इज दिस दे सपोर्ट वॉल सपोर्ट्स द स्लैब्स एंड बीम। ओके, तो आप वैसे तो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आपको वॉल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, उस पे ही आप स्लैब प्रोवाइड कर सकोगे। दे सेफली ट्रांसमिट द लोड्स कमिंग ऑन दैम फ्रॉम द बीम्स एंड स्लैब्स टू द फाउंडेशन। वो क्या करता है? वॉल वॉल जो भी स्लैब और बीम में से लोड आता है, ओके, तो वो सेफली ग्राउंड में ट्रांसफर करता है। इट इज ट्रांसमिट द लोड्स कमिंग ऑन दैम फ्रॉम द बीम्स एंड स्लैब टू द फाउंडेशन। दे प्रोवाइड प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीट कॉल कोल्ड रेन नॉइज डस्ट मीन्स दे ऑफर रेजिस्टेंस टू द फायर वेल मे बी ऑफ ब्रिक मशीनरी स्टोन मशीनरी। टाइप्स ऑफ वॉल्स में ये कौन सी है? ब्रिक मशीनरी वॉल है, और सॉरी ये स्टोन मशीनरी वॉल है और ये ब्रिक मशीनरी वॉल है। देन कॉलम्स। कॉलम्स क्या है? द कॉलम्स आर द वर्टिकल मेंबर्स अलोंग विच द बीम्स एंड स्लैब्स रूफ इज सपोर्टेड। दे आर स्क्वायर रेक्टेंगुलर सर्कुलर इन शेप इन क्रॉस सेक्शन। फ्लोर क्या है? द फ्लोर इज अ प्लेन एरिया टू सपोर्ट द ऑक्यूपेंट्स फर्नीचर्स एंड इक्विपमेंट्स। अभी फॉर एग्जाम्पल आप फ्लोर लेवल पे आ गए, तो फ्लोर लेवल क्या होना चाहिए? लेवल होना चाहिए जिसकी वजह से वहाँ पे हम सब चीज रख सके, फर्नीचर वगैरह है। तो एक प्लेन एरिया है फ्लोर का जहाँ पे ऐसा वो क्या करता है फ्लोर, तो फ्लोर की वजह से हम वहाँ पे फर्नीचर देन इक्विपमेंट्स उसको रख सकते हैं। देन रूफ। रूफ क्या है? तो हमें सन रेन विंड साउंड फायर उससे प्रोटेक्ट करता है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कंस्टिट्यूट्स द रूफ। द स्लैब एंड रूफ एनक्लोजेस द स्पेस एंड ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन हीट स्नो विंड साउंड फायर। स्लैब्स आर 10 12 15 सेंटीमीटर। दिस वन इज द टाइप ऑफ कॉलम्स। देन रूफ किसको बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रूफ। ये ऊपर ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रूफ। देन फ्लोर दैट मीन्स दिस। टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग आपको पता होगा कौन कौन से टाइप के फ्लोरिंग है। मोजाइक टाइल फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग, देन कोटा स्टोन फ्लोरिंग, बहुत टाइप के फ्लोरिंग आते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज करके हम फ्लोरिंग कर सकते हैं। देन डोर्स एंड विंडोज। डोर्स एंड विंडोज का मेन पर्पस क्या है? कि लाइटिंग और वेंटिलेशन है वो हमें सफिशियंटली
मिलती रहे। ओके, तो जो भी हमारी जो भी लाइट और वेंटिलेशन का हम नेचुरल रिसोर्सेस है उसका हम भरपूर यूज कर सके, इसीलिए वो क्या कर डोर्स और विंडोज प्रोवाइड करते हैं। डोर प्रोवाइड ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रूम्स। डोर का मेन पर्पस दूसरा क्या है, डोर का मेन पर्पस ये है कि एक रूम में से दूसरे रूम में जाना हो तो हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, डोर। ओके, और विंडो ओपनिंग्स प्रोवाइडेड इन द वॉल्स, डोर्स एंड विंडोज प्रोवाइड किसके लिए, डोर्स और विंडोज दोनों प्रोवाइड करते हैं तो वेदर, साउंड और हीट, ओके, उसको रेजिस्ट करने के लिए, और दूसरा लाइटिंग और वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम डोर्स एंड विंडोज प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। साइज ऑफ डोर्स क्या है, तो इंटरनल डोर्स, एक्सटर्नल डोर्स, डोर फॉर बार, डब्ल्यूसी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में विड्थ कितनी होती है, डेप्थ कितनी होती है, टाइप्स ऑफ डोर्स, बैटन, लेज डोर्स, ये सब टाइप्स है। ओके, उसकी यहाँ पे फिगर दी हुई है, बैटन एंड लेज डोर्स ऐसे होता है, देन बैटन एंड ब्रेस्ट, दिस वन इज कॉल्ड ब्रेस्ट, दिस वन इज कॉल्ड बैटन। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बैटन, लेज, फ्रेम डोर्स, फ्रेम एंड पैनल डोर्स, दिस वन इज कॉल्ड पैनल और फ्रेम, दैट मीन्स दिस। अलग अलग टाइप के डोर दा यहाँ पे दिए हुए हैं, रिवॉल्विंग डोर है, स्लाइडिंग डोर है, कॉलेप्सिबल स्ट्रीट डोर है, रोलिंग शटर डोर है, हॉलो मेटल डोर है। ओके, साइज ऑफ विंडोज, टाइप्स ऑफ विंडोज, ओके, तो पिवोटेड विंडो, डबल हंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो, देन कैसमेंट विंडो, शेस विंडो, देन लोअर्ड विंडो, बे विंडो, डॉर्मर विंडो, गेबल विंडो, स्काईलाइट विंडो, अलग अलग टाइप की विंडोज प्रोवाइड की है। सील क्या है, तो सील आ लोअर पोर्शन ऑफ द विंडो एंड वेंटिलेटर ओपनिंग। सील किसको बोलते हैं, तो जो भी विंडो का लोअर पोर्शन है दिस पोर्शन इज कॉल्ड द सील, और वेंटिलेटर का भी जो भी लोअर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सील। स्टेप्स और स्टेयर्स, द स्टेप्स एंड स्टेयर्स आर मीन टू प्रोवाइड द एसेस बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स, दैट मीन्स एक लेवल से दूसरे लेवल पे मुझे जाना हो, ओके, वर्टिकल लेवल पे, तो वहाँ पे स्टेयर्स प्रोवाइड करते हैं, और वर्टिकल मूवमेंट के लिए भी हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टेयर्स। ओके, स्टेप यानी तीन चार जो भी स्टेप्स प्रोवाइड करता है फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू प्रिंट लेवल, दैट इज कॉल्ड स्टेप्स। The steps and stair are mean to provide access between the different levels, and the stairs should be properly located to provide easy access and fast services to the building in one flight. Maximum 8 steps should be provided. For more than 8 steps, it is recommended to provide them with a leading. Generally, for the residential building, building width of the stair is this, and number of the riser, number of the tread, etc. Then next. यहाँ पे क्या है, दिस वन इज कॉल्ड स्टेप्स, और ये क्या है, दिस वन इज कॉल्ड स्टेयर्स। बीम्स, द बीम्स आर द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स अबव व्हिच द स्लैब्स आर प्रोवाइडेड। बीम क्या है, तो वो हॉरिजॉन्टल मेंबर है अबव व्हिच द स्लैब्स आर प्रोवाइडेड, दैट मीन्स वो हॉरिजॉन्टल मेंबर है। ओके, अबव द स्लैब, स्लैब के ऊपर, अबाउ विच द स्लैब्स आर प्रोवाइडेड, तो बीम के ऊपर क्या प्रोवाइड करते हैं, स्लैब प्रोवाइड करते हैं। द बीम्स आर इंस्टेड सपोर्ट्स ऑन वॉल एंड कॉलम, तो बीम कहाँ पे सपोर्टेड होता है, वॉल्स और कॉलम पे सपोर्टेड होता है। उसकी साइज कितनी होती है, तो दे आर 20x39, 45x60 cm थिक एंड डीप मेंबर्स एज पर स्ट्रक्चरल डिजाइन। देन बीम्स, बीम्स यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वन इज कॉल्ड बीम, दिस हॉरिजॉन्टल पोर्शन इज कॉल बीम, दिस वन इज कॉल आरसीसी कॉलम। लिंटल्स एंड आर्चिस, द लिंटल इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर व्हिच इज प्लेस अक्रॉस द ओपनिंग। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ओपनिंग है पर हम लिंटल प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो क्या होगा, ऊपर ब्रिक मशीनरी वॉल आएगी, ब्रिक मशीनरी वॉल इतना लोड बैर नहीं करेगी, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे जो ओपनिंग है उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे लोड ज्यादा आएगा, और लोड आने से वो क्या होगी, कॉलप्स हो जाएगी, वो कॉलप्स ना हो इसलिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, लिंटल। ओके, एन आर्च इज नॉर्मली अ कर्व्ड मेंबर कंप्रेसिंग द वेज शेप्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स होल्डिंग ईच अदर विद द मैनुअल प्रेशर। छज्जा क्या है, तो छज्जाज आर प्रोवाइडेड ऑन द एक्सटर्नल वॉल ओपनिंग टू गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, फ्रॉम द रेन, स्नो, हीट, दे आर विदर शेड्स, थी देयर थिकनेस इज दिस। ओके,
100 to 75 mm projection is 30, 45, 60, 75, 90 centimeter. Then next one is parapet. तो पैरापिट क्या है? तो पैरापिट इज जनरली 10 सेंटीमीटर थिक. आपने देखा होगा टेरेस पे पैरापिट वॉल प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो पैरापिट की थिकनेस कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है. ओके, एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड अबव स्लैब टू एनक्लोज द टेरेस ओपन टू स्काई. दैट मीन्स हमें ओपन टू स्काई टेरेस बनाना है तो वहाँ पे पैरापिट वॉल प्रोवाइड करनी पड़ेगी. थिकनेस इज 10 to 15 सेंटीमीटर, हाइट इज 1 to 1.2 मीटर. ओके, थैंक यू.